गुड आफ्टरनून। सो वेलकम बैक टू टुडे सेशन। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ एट ग्रेड अप एंड माई सेल्फ तोशिबा शुक्ला। सो जल्दी से आ जाइए एंड लेट मी नो दैट यू हैव ज्वाइन द सेशन। बिफोर वी कुड स्टार्ट द सेशन, प्लीज लेट मी नो वेदर द वॉइस वीडियो एंड पीपीटी आर फाइन। आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको पीपीटी दिख रहा है और आपको वीडियो भी दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, सबके सब आ जाएं। हाय मेघा, ऋचा, सुदर्शन, हाय साइमा अंसारी, शीतल, श्वेता, हेलो शबनम। यस, सो क्विकली कीप ऑन ज्वाइनिंग मी। ऑल्सो लेट मी नो वेदर द वॉइस वीडियो एंड पीपीटी एवरीथिंग इज फाइन। इफ देर इज सम इशू विद द इंटरनेट और यू आर नॉट एबल टू सी समथिंग, प्लीज लेट मी नो। यस प्लीज, इफ देर इज बफरिंग सो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू यू नो फिक्स इट। यस ऑल फाइन, ओके फाइन। सो एवरी वन, टूडे इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। एज यू नो वी आर हैविंग दिस फैंटास्टिक सैटरडे। आपके लिए हम सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूस मैराथन सेशन लेकर आए हैं, राइट? अभी आपका मैराथन सेशन हुआ है टीचिंग रिसर्च का। दिस मैराथन सेशन इज फॉर योर एनवायरमेंट एज वेल एज हायर एजुकेशन। तो जितने भी बच्चे अभी अटेंड कर रहे थे सेशन, आपने ब्रेक ले लिया होगा। कम बैक अगेन, मे बी ग्रैब अ कप ऑफ टी, कॉफी, वॉट एवर, एंड कम बैक अगेन। हम सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चंस एंड दीज आर नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड टू यू। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अभी जो आपके एग्जामिनेशंस हुए हैं कुछ 2 दिन में, हमने देखा कि क्या एक ट्रेंड है, क्या एक बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्किंग, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू टेल यू दैट वी हैव कवर्ड मोस्ट एवरीथिंग। बहुत ही कम ऐसे चीजें हैं, एक आध दो क्वेश्चन जो हमने नहीं कवर किए होंगे, अदरवाइज वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, राइट? ऑल फाइन। चलिए, सो पीपल ऑन द ऐप एज वेल, प्लीज डू ज्वाइन मी। हाय आरजू, सुनीता, एवरी वन, जल्दी से आ जाइएगा। बट बिफोर दैट आई विल जस्ट हैव अ क्विक समरी ऑफ द क्वेश्चन दोज वर आस्क्ड यस्टरडे। आज 26th है, कल आपसे जो 25 तारीख को क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ। अगर आपने नहीं सुना होगा, इट्स नॉट एन एनालिसिस बट जस्ट ब्रीफ आइडिया ऑफ द वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे गए थे, स्पेशली इन माई पार्ट। फाइन, सो इंडियन लॉजिक अगेन, इट इज अ फेवरेट दिस टाइम। इंडियन लॉजिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना ही है। हर तीनों शिफ्ट, जितनी भी अभी शिफ्ट हुई है, कुल मिला के 4 शिफ्ट हुई है, उसमें इंडियन लॉजिक वॉज द फेवरेट। सो शेषवत अनुमान और पूर्ववत अनुमान पे क्वेश्चन आया था, हेतु भास पे क्वेश्चन आया था। हम कर चुके हैं, हमने अपनी ग्रेड अप क्लासरूम में भी ये क्वेश्चन करे हैं, राइट? देन फुल फॉर्म ऑफ आईओटी केम। सो आईओटी आपको पता है, मैंने एक आईसीटी स्पेशल सेशन भी लिया था, ईमेल एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। आई एक्सप्लेन एनी एवरीथिंग अबाउट वॉट इज आईओटी, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यस, तो अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हम क्लाउड कंप्यूटिंग डिस्कस कर चुके हैं, हम वीआर डिस्कस कर चुके हैं, हम एआर डिस्कस कर चुके हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग सेशंस एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, बिकॉज दिस इज द अपकमिंग टेक्नोलॉजी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक और टेक्नोलॉजी होगी जो आपसे पूछ सकते हैं। रूसा एस्टेब्लिशमेंट ईयर, यस वी हैव डन एक्सटेंसिवली। 2013 रूसा का क्या है, 50% जीईआर करना है, हम सब कुछ कर चुके हैं, राइट? थैंक यू शिका सो मच। एंड वन क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बेस्ड ऑन ओजोन लेयर। सो वी हैव डन ओजोन लेयर, इफ यू रिमेम्बर, हमने ओजोन लेयर से रिलेटेड, ओजोन क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, मैंने आपको एक तरीका बताया था, गुड ओजोन, बैड ओजोन, ट्रोपोस्फेयर में जो होता है बैड ओजोन होता है, जिसको हम ग्राउंड लेवल ओजोन भी बोलते हैं। वॉट वी कॉल इट, वी कॉल इट एज जीएलओ, वो भी हम कर चुके हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कौन सा गोल एमडीजी में नहीं है। सो एमडीजी, एसडीजी तो हमने इतने अच्छे से किया है, तो आई गेस आपको तो अब रट गए होंगे। हमने दो कहानियों के फॉर्म में दोनों एमडीजी और एसडीजी के गोल्स बहुत अच्छे से याद कर लिए हैं, राइट? सो गाइज, दिस सेशन अगेन आई एम सेइंग इट विल बी
both in Hindi as well as English. I cannot talk only in one language. I know many people say, ma'am, try to talk in English completely, but I will try to talk in English, but I have to speak Hindi as well. मुझे दोनों भाषाओं का उपयोग यहाँ करना है because जो बच्चे हैं वो हर जगह से हैं, ठीक है? So I cannot and I will not be sticking to one language. हाँ, राम और श्याम की कहानी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, राइट? देन आपसे पूछा था एक बाइट में कितने बिट्स होती हैं, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, 8 बिट्स. अनदर फेवरेट क्वेश्चन दे हैव बीन आस्किंग इज द फुल फॉर्म. फुल फॉर्म आईसीटी में बहुत फेमस है, मेरा एक लेक्चर भी है यूट्यूब पे, प्लीज जाके देखिए, जिसमें आई हैव डन ऑल द फुल फॉर्म्स, मोर देन 50+ हमने फुल फॉर्म्स पढ़े हैं. तो सीडी क्या होता है, सीडी रोम क्या होता है, दे हैव आस्क्ड बायोएस, बायोएस क्या होता है, राइट? ये भी उन्होंने पूछा है. तो आपसे आगे जाके क्या पूछ सकते हैं, आपको एक फुल फॉर्म्स पढ़ना है. आई हैव अ वीडियो मेड एज आई टोल्ड यू. एसएमटीपी क्या हो सकता है, एचटीटीपी क्या होता है, ठीक है? और रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, एफटीपी क्या है, टीएफटीपी क्या है, मेरा एक वीडियो है, आराम से देख लीजिएगा. हाइएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा इज फ्रॉम विच स्टेट, ये एक प्रश्न आया था. सो इफ यू आर अ रेगुलर सब्सक्राइबर, इफ यू आर अ रेगुलर व्यूअर ऑफ माई लेक्चर्स, यू मस्ट हैव सीन, मैंने एक प्रैक्टिस सेशन में गवर्नेंस के, उसमें ये सीधा क्वेश्चन पूछा था. इन दैट थिंग द आंसर वाज महाराष्ट्र, बट ये पॉपुलेशन वाइज होता है, आपको पता है. इसमें मैंने आपको डिलिमिटेशन कमीशन भी बहुत बार पढ़ाया है, व्हाट इज द डिलिमिटेशन कमीशन अंडर आर्टिकल 82. तो इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, राइट? हाँ, फिर आपसे एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन पूछा था जो कि आसान था. वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड, आपको सिटीज दी थी, आउट ऑफ 4 सिटीज यू वर आस्क्ड कि व्हिच इज द ऑड वन आउट, कौन सी सिटी ऑड है. तो दैट वाज बेसिकली बेस्ड आउट ऑफ करंट अफेयर्स, फाइन. एक क्वेश्चन आया था आपका कॉपीराइट, तो इफ यू रिमेम्बर, हाँ जी, कॉपीराइट से रिलेटेड मैं आपसे बोल चुकी हूँ कि आप आईपी पढ़ के जाइएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया. सिंस दीज डेज द एंटायर थिंग द फोकस इज ऑन वैक्सीन, वैक्सीन डेवलपमेंट कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो हम क्या पूछ सकते हैं, वो लोग पेटेंट भी पूछ सकते हैं, बिकॉज पेटेंट एक ऐसी चीज है जो कि जनरली फार्मेसी बेस्ड कंपनीज करती हैं. सो द पेटेंट इज गिवन फॉर 20 इयर्स, यू शुड बी नोइंग दैट. 20 साल बाद पेटेंट खत्म हो जाता है, फिर से इसको रिन्यू करना पड़ता है. सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट. दिस इज अनदर करंट अफेयर्स जो आपको पूछ सकते हैं. कॉपीराइट पूछ चुके हैं, पेटेंट पूछ सकते हैं, ट्रेडमार्क क्या होता है, दे कैन इवन आस्क ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स. रिमेंबर हमने जीआई भी पढ़ा था, देयर इज दिस जीआई एक्ट ऑफ 1999 इन इंडिया. जैसे आपका क्या हो गया, आपका रसगुल्ला हो गया, ठीक है, चंदेरी की साड़ीज हो गई, आपके दार्जिलिंग की चाय पत्ती हो गई, ऑल दीज थिंग. अभी रिसेंटली तेलंगाना रुमाल को मिला था. सो ऑल दोज थिंग्स दैट वर इन न्यूज यू शुड बी कीपिंग अ ट्रैक ऑन. हम इसी हिसाब से पढ़ते हुए आए हैं, राइट? हाँ जी, उसका आंसर था लखनऊ. लखनऊ वॉज द ऑड वन आउट सिटी. Then one question was asked, who wrote Ashtadhyayi? I'm not sure what, how it was asked. Panini ने क्या लिखा है कि Ashtadhyayi किसने लिखी है? But yes, one was this. So we have already learned that कि एक बहुत बड़ी ट्रीटी है ये ग्रामर पे. Panini ने लिखी है Ashtadhyayi. There is one lecture I have taken on Pramana and Vedas, जिसमें मैंने ये सारी चीजें समझाई हैं. हेतव भास पूछा था. उन्होंने पूछा था, नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तक्षशिला को यूनेस्को टैग कब मिला, व्हेन डिड तक्षशिला गॉट द यूनेस्को टैग. सो नालंदा, तक्षशिला ये यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल. सो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं. दिस इज जस्ट अ शॉर्ट ग्लिम्स, अ क्विक ग्लिम्स की क्या क्या क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं. एंड आई एम सो हैप्पी वी हैव डन एवरीथिंग. अगर आप हमारे सारे करंट अफेयर, सारा PYQs देखेंगे, जो भी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, दोज वेयर वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, राइट? चलिए, सो आई विल टेल यू फ्यू ऑफ द मैसेजेस, फीडबैक विच आई हैव बीन गेटिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, मुझे बच्चों से मिल रहा है आफ्टर दे हैव गिवन देयर एग्जामिनेशन. सो दे हैव बीन गिविंग टेलिंग मी थ्रू मैसेजेस. अभी बहुत लोगों से बात नहीं हो पाई है. आई एम जस्ट पुटिंग टू ऑफ देम एज एन एग्जाम्पल. सो ये मैंने नहीं लिखा है, यू कैन सी दैट. हेलो मैम, आई डोंट नो द रिजल्ट्स बट आई गेव माई बेस्ट. द क्वेश्चन वॉट इज आईओटी हैज कम, MDG and many other familiar things that you have taught us in the class. So when IoT came, I started to think for a second that how many times you have said. So you can see
दिस इज बेसिकली अ लाइफ टेस्टिमोनी ऑफ वन ऑफ अ स्टूडेंट. मैं हमेशा जब पढ़ाती हूँ मैं बोलती हूँ आप जब भी एग्जाम देंगे आपको आवाज गूंजनी चाहिए कि हाँ ये बोला था ये बोला था. सो यस दैट इज वन ऑफ द फीडबैक और रिव्यू आई गॉट. अनदर थिंग, अनदर वन ऑफ माई स्टूडेंट जस्ट यू नो ही जस्ट मैसेज मी एंड ही आस्क्ड मी, मैम प्लीज टेल मी द ट्रूथ, इज पेपर सेट अप बाय ग्रेड अप. सो इमेजिन द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर सीइंग इन द एग्जामिनेशन. उसने मुझसे द स्टूडेंट आस्क्ड मी दैट यू नो ऑल द क्वेश्चन हैव बीन फ्रॉम ग्रेड अप, वेदर ग्रेड अप का मॉक टेस्ट है, ग्रीन कार्ड में आपने जो भी लिया होगा आपने उसमें सॉल्व किए हैं, ग्रेड अप सब्जेक्ट क्विजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज इक्वल टू टुडे मॉर्निंग पेपर. सो इमेजिन इमेजिन आई एम जस्ट नॉट सेइंग, मैंने इसलिए आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया ताकि आपको ये ना लगे कि मैं जो बोलती हूँ कि हम लोग इतना पढ़ा चुके हैं, एवरीथिंग वॉज कवर्ड, राइट. हाँ तो एग्जाम में बिल्कुल मेरी आवाज आनी चाहिए और बच्चों को ये तक लग रहा है कि ग्रेड अप ने पेपर सेट किया है. सो दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू नो क्रेडिबिलिटी वी आर हैविंग राइट नाउ एंड दैट इज एक्चुअली मेकिंग अस वेरी हैप्पी. दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड ऑल द अपकमिंग लेक्चर्स ऑल्सो दैट विल बी आस्क्ड एंड दैट विल बी कवर्ड फ्रॉम आवर साइड. यस आप सबको ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप सब मुझे मैसेज करके बताएंगे कि हाँ मैम देखिए ये भी आया ये भी आया ये भी आया. Yes, exactly. I know you must be also feeling very happy कि ऐसा बच्चों का एक प्रकार से आप हमारे लिए ये मैसेज था. ठीक है चलिए. So enough of this discussion. Let's quickly come to the main agenda. आज मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगी. जल्दी जल्दी करना है, जितना जल्दी करेंगे उतना ज्यादा हम कवर कर पाएंगे. फाइन. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज बी ऑन योर टोज एंड दीज आर द एक्सट्रीमली रिलेवेंट क्वेश्चंस दैट आर कवरिंग करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन दीज टू सब्जेक्ट्स, हायर एजुकेशन एज वेल एज एनवायरमेंट. फाइन चलिए. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा. ठीक है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वयं प्रभा. स्वयं प्रभा से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में आया था. सो स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट इज मैनेज्ड बाय द चीफ कोऑर्डिनेटर फ्रॉम IIT मद्रास. ऑल टेलीकास्टेड वीडियोज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम इज टेलीकास्टेड थ्रू 32 DTH चैनल्स और स्कूल टाइमिंग फ्रॉम 9 AM टू 2 PM. हाँ सो ये है इंग्लिश में, ये है आपके लिए क्वेश्चन हिंदी में. जल्दी से देखिए और मुझे आंसर करिए. पीपल ऑन द ऐप एज वेल, वी हैव मोर देन 200 पीपल ऑन द ऐप. यस चलिए तो जल्दी जल्दी आंसर करिए. दिस इज इन हिंदी. अगेन आई विल शो इन इंग्लिश. स्वयं प्रभा से रिलेटेड आपको आंसर देना है. Yes. Okay. So I'll not be giving much of the time. हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी आंसर देना है आपको. वेरी नाइस वेरी नाइस. तो जो लोग आंसर दे रहे हैं डी, डी इज द राइट आंसर. डी आंसर राइट क्यों है कि आपको स्वयं प्रभा के बारे में पूछा है एंड दिस ईयर ऑल्सो द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने एक क्वेश्चन स्वयं प्रभा के बारे में पूछा था वेयर दे आस्क्ड द नंबर ऑफ चैनल्स. And once I was discussing these questions, there was a debate कि मैम 32 हैं 34 हैं. तो नहीं, 32 पहले थे, अभी 32 नहीं है, अभी हैं 34. There are 34 channels under this that are relayed through the DTH medium. GSAT satellite से आपको GSAT 15 से ये आपको relay होता है. 9 से लेके 12 post graduation तक आपको पता है. And there is a slot like 5 times in a day. 5 times टेलीकास्ट होता है, 4-4 घंटे का प्रोग्राम होता है. फाइन यस. सो दैट इज द कैच हियर, इंक्रीज हो गया है. एंड यस स्वयं प्रभा इज मैनेज्ड बाय द चीफ कोऑर्डिनेटर फ्रॉम IIT मद्रास. दैट्स फाइन. ऑल वीडियोस आर टेलीकास्टेड एंड अवेलेबल ऑन यूट्यूब. दैट इज ऑल्सो ट्रू. सो डी इसका आंसर है 1 and 2. ये देखिए हाँ तो 34 है 24/7 एंड यस दे आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आई हैव always said, I have always asked you guys कि apart from studying, आप हमेशा जो इनका authentic website है, जैसे ये स्वयं प्रभा का website है, ठीक है, इसमें FAQ section होता है. For example, अगर आप लोकसभा की site में जाएंगे, राज्यसभा की site में जाएंगे, you will always find this FAQ section. तो here you can see that
FAQ में लिस्टेड रहते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज स्वयं प्रभा. सो यू कैन सी इट इज अ ग्रुप ऑफ 34 DTH चैनल्स. ये आप देख सकते हैं 34 DTH चैनल जो कि आपको साफ साफ लिखा है, एंड दिस इज द ऑफिशियल साइट ऑफ स्वयं प्रभा. तो जब भी यू आर स्टडिंग समथिंग रिलेटेड टू द ऑफिशियल स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्राई टू रिफर द वेबसाइट, ट्राई टू रिफर आपका ऑथेंटिक जो भी अपडेटेड सोर्स है. ठीक है, हाँ चलिए, वेरी नाइस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इज द एम ऑफ स्वयं 2.0. स्वयं 2.0 का आपको एम बताना है. व्हाई एग्जैक्टली दिस वाज इन न्यूज, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था. इट एम्स टू मेंटर्स टू इंस्टीट्यूशंस सीकिंग नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल अक्रेडिटेशन. It aims to offer online degree programs with enhanced features and facilities by top-ranking university. This scheme aims at promoting the use of artificial intelligence. Yeah, all of the above. आपको स्वयं 2.0, so this is the upgraded version of स्वयं. Fine. तो आपको इसका आंसर, I hope आपने आंसर नहीं देखा होगा. हिंदी में भी आपको दिख रहा है, इंग्लिश में भी दिख रहा है. जल्दी बताइए. Yes. ऐप पे बच्चे कीप ऑन आंसरिंग. आई एम सीइंग यूट्यूब पे, प्लीज पीपल अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग लाइक द वीडियो वंस एंड शेयर इट, ताकि जो बच्चों को नहीं पता चल पाया और दे माइट बी वांटिंग अ ब्रेक, आज सैटरडे है, उनको भी पता चल जाए और वो ज्वाइन कर लें. हाँ जी. यस. सो आंसर देखा नहीं देखा, चीटिंग करी नहीं करी, अभी पता चल जाएगा. चलिए, इसका आंसर है बी. सबके सब बच्चे सही बता रहे हैं. बी क्या बोल रहा है? इट एम्स टू ऑफर ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम विथ एनहांस फीचर्स. सो इफ यू सी द स्वयं 2.0, स्वयं 2.0, दिस वॉज अ न्यूज़पेपर क्लिपिंग January 28, 2020. ये आपका न्यूज़पेपर क्लिपिंग है, तभी इसी साल 2020 में न्यूज में था. दैट्स व्हाई इट्स पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स. उसमें उन्होंने बताया था हाउ स्वयं 2.0 विल लेट यू अर्न एन ऑनलाइन डिग्री. सो यस, इट गिव्स एन एक्स्ट्रा यू नो फीचर्स दैट इज मोर देन योर नॉर्मल स्वयं. नॉर्मल स्वयं कब लॉन्च हुआ था? इट वॉज लॉन्च ऑन 9th July 2017. 9 जुलाई 2017 को स्वयं 1.0 लॉन्च हुआ था. फाइन. एंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, इंक्रीज GER इन हायर एजुकेशन फ्रॉम 26 to 30 इन द नेक्स्ट 5 years. सो ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम तो स्वयं बाय टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी, एनहांस फीचर है स्वयं 2.0. सो स्वयं ये एडवांस वर्जन है. इसमें क्या होगा? इट विल बी हैविंग एन एडिशनल सेटअप फॉर असेसिंग लर्नर परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स. सो ऑल्सो व्हाट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर हियर? द लोकेशन ऑफ द स्टूडेंट. वो बच्चा कहाँ पे सिचुएटेड है? आप जहां से पढ़ रहे हैं, जहां से आप ये सुविधा ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको लोकल मेंटर्स मिलेंगे. देयर विल बी लोकल मेंटर्स टू गाइड यू. दिस इज द फीचर ऑफ स्वयं 2.0. ठीक है, तो एकदम ये करंट अफेयर्स है, इसी साल न्यूज में था. हाँ, आई नो अर्पिता. यस कथिका राजा, नो दीज आर नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस, दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीइंग द ट्रेंड. अभी आपने जो भी ट्रेंड मैंने देखा 2 दिन के पेपर में, एंड वी हैव ऑलरेडी बीन कवरिंग, दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो इस प्रकार से आपको न्यूज पेपर की क्लिपिंग एंड आर्टिकल्स याद रखने हैं. थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एशियान फेलोशिप. एशियान फेलोशिप के बारे में आपको जवाब देना है. इट वॉज लॉन्च बाय MHRD एंड MEA. दिस विल प्रोवाइड 1000 fellowships to the students of India to study in Asian countries. So, Asian fellowship है, उसके बारे में आपको बताना है. Yes, people on the app as well, Swayam 2.0 इसी साल का है, basically 2019 and 20. Whereas Swayam 1.0 था वो 2017 में आया था, उसको अभी हो चुके हैं एटलीस्ट 3 से 4 साल. Yes. Quickly people,
YouTube पे जल्दी जल्दी आंसर देना। आज एकदम आपका दिन है, आपको सुबह से लेके शाम तक बैठ के आपको पूरा पेपर वन रिवाइज करवा देंगे हम लोग, जैसे आपको बिठा के बचपन में नहीं पेरेंट्स करवाते थे, तो वैसे ही आज आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। सो जस्ट कीप ऑन यू नो ज्वाइनिंग। यस, वेरी नाइस। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस ए। फ्यू ऑफ यू वर सेइंग ए ओनली, बट मोस्ट ऑफ यू वर सेइंग सी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, हमको लगता है दोनों ही सही होंगे, सुना सुना सा तो लग रहा है, बट ये दोनों सही नहीं है। सो बेसिकली लॉन्च्ड ऑन व्हाट इज दिस एशियन फेलोशिप अनदर करंट अफेयर्स फॉर यू, लॉन्च्ड ऑन 16 सितंबर 2019 बाय एमएचआरडी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। 1000 फेलोशिप टू द स्टूडेंट्स ऑफ एशियन कंट्रीज फॉर परस्यूइंग इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम इन आईआईटीज। तो इसमें क्या है, एशियन कंट्रीज को मिलेगा, इंडिया में नहीं, पूरे एशियन देश जो हैं, जितने भी एशियन का एशियन यू नो इज अ ग्रुपिंग लाइक ब्रिक्स है, G7 है आपका, वॉट एवर दीज आर मल्टीनेशनल मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स, वैसे ही सारे सारे स्टूडेंट्स को इसमें फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाता है, इसमें सिर्फ भारत का दिया है। चलिए तेजी में हम आगे जाते हैं। सो यू कैन सी दिस CIMB फेलोशिप फुली फंडेड, 2020 विल बी ओपनिंग ऑन 16th March to 15th April। तो जो भी देश है वो उसमें अप्लाई कर सकते थे, जो भी देश के बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, गलत अभी हो जाए, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। आपको नीट के बारे में बताना है। इट इज प्रपोज टू बी एस्टैब्लिश एज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इट विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग असेसमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और किसने एस्टैब्लिश किया, ओनली फॉर हायर एजुकेशन। सो दिस इज अगेन करंट अफेयर्स मैडम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या आ सकता है, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से है। इस बार आपसे क्या पूछा था, आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री MHRD का नाम बदल के क्या कर दिया है। सो दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन, दे माइट आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनीथिंग। गुड आफ्टरनून वंदना जी, क्विकली जल्दी इसका आंसर दीजिएगा फोर्थ क्वेश्चन का। यस, हाँ, तो अगेन इंग्लिश फॉर यू, प्लीज रीड द क्वेश्चन इन इंग्लिश। दिस इज वन फीचर दैट वॉज गिवन इन योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, चलिए, सो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द आंसर, लेट मी शो यू द आंसर। बिल्कुल इसका आंसर है डी। सो आई थिंक मैम इट्स डी। अगर थिंक बोल रहे हो तो थोड़ी सी और श्योरिटी ले आओ, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो पुराने वीडियोस, ताकि ये थिंक हट जाए आपके आंसर में से। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज प्रपोज्ड एन ऑटोनॉमस बॉडी द नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी दैट इज नीट। ये एक प्रपोज्ड है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इट विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग असेसमेंट प्लानिंग एक्सेट्रा फॉर बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। तो ये बोथ स्कूल और हायर एजुकेशन है, इसलिए सिर्फ दो आंसर सही था, ओनली टू। It is not only for higher education, it is for school also. And yes, so basically it will be established not as a statutory body, general body. Fine. Again, I am repeating, people who are joining late, this is a marathon session for 50 questions. How they can be old questions? These are the new expected questions that could be asked to you in the upcoming shifts. Fine. Fifth question. UNESCO has declared 197 Indian languages as endangered. Schedule 8 contains 22 languages. Indian Institute of Translation and Interpretation will be established. All of the above. So, आपको बताना है कौन सा incorrect है, गलत बताना है. Because I have taken this question, since they have asked the UNESCO World Heritage Site, they can ask anything regarding your UNESCO or your languages, so on. अर्चना यादव, स्टैट्यूटरी मींस जो एक लॉ के द्वारा स्थापित होती है, जैसे आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर एक आपकी संस्था स्थापित होगी, उसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी।
चलिए जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर दीजिएगा पांचवे क्वेश्चन का. दीज आर ऑल गुड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड हाई लेवल. आई मीन दे आर नॉट वेरी इजी क्वेश्चंस. यू माइट हैव टू वेयर योर थिंकिंग कैप्स एंड फिर आपको आंसर देना पड़ेगा. चलिए वेरी नाइस. सो फ्यू सेकेंड्स मोर. क्विकली गिव मी द आंसर. मोनिका शर्मा आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन स्कीम्स. प्लीज सी द करंट अफेयर्स एंड इफ पॉसिबल आई विल ट्राई टू मेक वन मोर वीडियो. जो रिमेनिंग स्कीम्स हैं वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. चलिए वेरी नाइस. डी इसका आंसर है क्या. ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. कुछ भी गलत नहीं है. तो ये क्वेश्चन फिर घुमाने वाला क्वेश्चन था. यस. सो बेसिकली आई हैव सीन ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे फंस जाते हैं. उनको लगता है कि पूछा है तो कुछ तो गलत होगा. ऐसे कैसे कि सारे के सारे सही हो जाएंगे. इतना एग्जामिनर ने तकलीफ उठाई है क्वेश्चन सेट करने में तो शायद कुछ गलत होगा. तो हम जबरदस्ती में कुछ गलत मार्क करके आते हैं. नो. यूज योर नॉलेज. यूज योर पास्ट प्रीवियस रिविजन एंड देन आंसर. ठीक है. हाँ. तो यूनेस्को आपको पता है यूएन की संस्था है. 197 इंडियन लैंग्वेजेस को एज इंडेंजर्ड बोला है जो कि बहुत खतरे में है. स्केड्यूल 8 यस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे भारत के संविधान में आपको पता है 12 स्केड्यूल हैं. ठीक है. हमारे संविधान में 12 स्केड्यूल है. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 12 स्केड्यूल्स एंड इन द 8 स्केड्यूल वी हैव 22 लैंग्वेज. सो नेशनल एजुकेशन हैज प्रपोज्ड टू एस्टैब्लिश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन दैट इज IITI. ये बहुत जल्दी स्थापित होने वाला है. ठीक है. यस. सो अनदर थिंग फॉर योर इंफॉर्मेशन बिकॉज इन द लास्ट शिफ्ट दे हैव आस्क्ड कि तक्षशिला को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मिला था बेसिकली द स्टेटस. सो दिस इज द ब्रीफ समरी ऑफ ऑल द कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया. सो वी हैव आगरा, वी हैव अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, सन टेम्पल, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो बहुत द माइटी चोला एम्पायर. ठीक है. वो कब हुआ था 1987 में. एलिफेंटा केव्स 1987. सो जस्ट हैव अ रिविजन. एक बार थोड़ा सा देख के जाइएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, कहां पर हैं. जैसे हम इनको क्या बोलते थे, इंपीरियल चोलास. फाइन. हम्पी में विजयनगर एम्पायर आप जानते हैं बहुत बड़ा फेमस है, कर्नाटका में है. तो 80s में ही जनरली सारी हुई है. रीसेंट लास्ट 2019 दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर. द वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर, जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया था. दैट इज इन राजस्थान ऑब्वियसली. ठीक है. एंड 2018 में क्या बना था, विक्टोरियन एंड गोथिक आर्ट्स ऑफ मुंबई. सो 2018-2019 में आपका जयपुर बना था. ठीक है. सिंस दे हैव आस्क्ड वंस कि कौन सी कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी तक्षशिला की, दिस. सो यू कैन सी दिस इज जस्ट अ स्क्रीनशॉट. आई मीन यू गो टू द गूगल विकिपीडिया, आपको सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल जाएंगी. फाइन. सो जयपुर ये 2019 में हुआ था राजस्थान में. ठीक है. एनी डाउट. हाँ. रिपीट करूं इस क्वेश्चन को रिपीट क्या करूं मैं. बेसिकली आपसे ये पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, पर ये सारे सही हैं. आपको यूनेस्को क्या करता है, आपके इंडियन लैंग्वेजेस को इंडेंजर्ड बता सकता है कि आपको इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है. यू नो वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स इन अ कंट्री एंड स्केड्यूल 8 में आपकी लैंग्वेजेस लिस्टेड है एंड ये एक इंस्टीट्यूट है IITI जो कि एस्टैब्लिश किया जाएगा. फाइन. चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडमिशन वॉज प्रेवलेंट इन नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशियंट टाइम्स. निम्नलिखित में से कौन सा प्रवेश का माध्यम था प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में. एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा, साक्षात्कार जो आपका इंटरव्यू होता है, गुड अकेडमिक क्रेडेंशियल्स या ग्रुप डिस्कशंस. हाँ जल्दी बताइए. पीपल ऑन द ऐप एज वेल, आई हैव you know one eye there and one eye here. I am seeing both of you, so please answer dete jaiyega.
यस, सो आई हैव टेकन एंशियंट एजुकेशन बिकॉज इस बार उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, तो आपका आपको वो भी करना है, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, ऑल द एंशियंट यूनिवर्सिटीज हम दो लेक्चर्स कर चुके हैं, ठीक है? तो मेरा वीडियो है, आपके यूट्यूब पे भी है, आप प्लीज जाके देख लीजिएगा. वेरी नाइस. सो बिल्कुल, नालंदा में दाखिला लेने के लिए यू हैव टू गिव वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो आई हैव टोल्ड यू देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज द्वारपिंडी, ठीक है? एंड द मेन रिक्वायरमेंट वाज संस्कृत. द पर्सन हु वांट टू टेक एडमिशन इन नालंदा, आपको संस्कृत आनी चाहिए थी उस टाइम पे, ठीक है? संस्कृत के बिना आपको दाखिला नहीं मिलता. कोई एग्जामिनेशन नहीं होते थे नालंदा में, ये भी हमने पढ़ा था. द्वारपिंडी एडमिशन करवाता था, ठीक है? ऑल्सो देवर, वी हैव स्टडीड देवर मोर देन लाइक देवर 3 to 4 लाइब्रेरीज, रत्नगंजक, रत्नोदधी, हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं. सो प्लीज रिवाइज एवरीथिंग अबाउट नालंदा एंड तक्षशिला. फाइन. सो इस बार अगेन 24th को आपको पेपर स्टार्ट हुआ था, आपसे पूछा कि नालंदा किसने बनाया था. नालंदा वॉज एस्टैब्लिश बाय विच रूलर, तो वी हैव डन दैट. इट वॉज एस्टैब्लिश बाय गुप्ता रूलर कुमार गुप्त वन, ठीक है? इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता था, फिलोसफी, रिलीजन, बुद्धिज्म एक्सेट्रा. स्टूडेंट हैज टू अटेंड एन एग्जामिनेशन, एंट्रेंस वॉज पॉसिबल ओनली आफ्टर पासिंग इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार अगेन दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड. सो आर यू सीइंग, वी हैव डन एंड यस वी आर रिवाइजिंग एवरीथिंग. सेवेंथ क्वेश्चन जल्दी से बताइए. यू हैव टू मैच, यू हैव टू बेसिकली मैच इनिशिएटिव, कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए हैं. ऑन द वन साइड यू हैव बीन गिवन फ्यू इनिशिएटिव रिगार्डिंग द पॉलिसीज एंड यू हैव टू टेल व्हिच इज द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री दैट हैव लॉन्च्ड इट. सो एसटीआई पॉलिसी, आई विल जूम इट इन केस यू आर नॉट एबल टू सी. ये लीजिए एसटीआई पॉलिसी, टीपीक्यूआईपी, एक्सक्लूसिव एजुकेशन जोन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट ISEA. हाँ, तक्षशिला को 1980 में किया था, बिल्कुल अभी विजिबल है आपको. ये ऑप्शंस हैं, दीज आर द ऑप्शंस. इफ आई जूम यू विल बी एबल टू ओनली सी द टेबल और द ऑप्शंस. सो एक बार टेबल देख लो. यस, फाइन, ये लीजिए. देख लिया, डन. चलिए, सो कोमल ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी दे दो, उन्होंने 100% बोल के आंसर दे दिया है, तो बाकी बच्चे भी आंसर दे सकते हैं. एसटीआई पॉलिसी 2013, ठीक है? टीईक्यूआईपी मैं यहां लिख दे रही हूं, और क्या, एक्सक्लूसिव एजुकेशन जोन EEZ और ISEA, किसने क्या बनाया है, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे तेजी में. यस, सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग बी. देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, हिंदी में भी है अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं. वैसे बहुत कठिन नहीं था कि आपको हिंदी की जरूरत पड़े. हाँ, यस, सो इट इज बी. वेरी नाइस पीपल, वेरी नाइस. एसटीआईपी, व्हाट इज एसटीआईपी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एसटीआईपी बेसिकली एसटीआई पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, ये 2013 में आई थी. इट वॉज लॉन्च द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013. It was launched by Ministry of Science and Technology. TEQIP is very important. Currently we are having TEQIP, what? Third stage, जो कि World Bank ने sponsor करा है. It is with support from World Bank. हाँ, तो ये joint effort है central government का and the World Bank to improve the quality of engineering कॉलेजेस. सो एजुकेशन जो आपकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होती है उसको बढ़ाना है. पहला फेज आया था 2003 में. नीति आयोग इन अक्टूबर 2019 हैज डिक्लेयर टू क्रिएट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन.
तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? जैसे आपका एसईजी होता है, आपने सुना है एसईजी या एसईजेड आप बोलते होंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्यों होता है? ये ट्रेड को प्रमोट करने के लिए होता है, ये आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके लिए बनाया जाता है। वैसे ही ईईजेड नीति आयोग ने बोला था आप बनाओ ताकि हम विदेश से बच्चों को अट्रैक्ट करें। हमारे यहाँ बड़ा क्रेज है कि हमें जाके हार्वर्ड में पढ़ना है, ऑक्सफर्ड में पढ़ना है, एमआईटी में पढ़ना है। इंडिया शुड ऑल्सो बी एजुकेशन हब। जैसे पहले होता था नालंदा में हर जगह से बच्चे आते थे, अभी क्यों नहीं आते हैं? अभी भी आना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज एक्चुअली अ प्रोग्राम फंडेड बाय माईटी, ठीक है? तो ये आईटी में जो कोर्सेज हैं उसके लिए है, ठीक है? क्लियर है? नीति आयोग ने नहीं किया, आई एम टेलिंग यू TEQIP वाज गिवन इन 2003। प्लीज ध्यान से सुना करिए, नीति आयोग गेव ईईजेड इन 2019। आई नो नीति आयोग इज इन पिक्चर आफ्टर 2015 ओनली, तो वो 2003 में नहीं दे सकता है, ठीक है? हाँ, सो प्लीज सुनिए अच्छे से, पढ़िए, फिर कंफ्यूज होइए। चलिए, 8th क्वेश्चन। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा एम्स टू अचीव द फॉलोइंग इन हायर एजुकेशन सिस्टम। रूसा से क्वेश्चन एक आ चुका है, तो एक बार उसको और अच्छे से देख लेते हैं रिलेटेड क्वेश्चन को। तो रूसा का आपको बताना है एम क्या है। स्थापना का ईयर पूछ चुके हैं, हो सकता है अगली बार वो एम पूछ लें। तो टेल मी क्विकली, यस एवरीवन, वेरी नाइस। आई वांट एवरीवन टू रिवाइज विद मी, आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, ठीक है? सिर्फ आके डू नॉट बी अ पैसिव लिसनर एंड जस्ट यू नो वॉचिंग द आंसर। सबको आंसर देना है, भले तुक्का मारे कोई दिक्कत नहीं है। यस, चलिए, सो आई विल टेल यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, ए बी और डी। मतलब क्या है आपका? सी है ए बी और डी। सो वॉट इट एम्स टू अचीव? इक्विटी, एक्सेस, एक्सलेंस। सो रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एम्स टू अचीव द हायर लेवल ऑफ एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सलेंस इन द स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम। तो एफिशिएंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। तो भाई ये जो 50% बोला है, 50% नहीं था रूसा में, 30% था, ठीक है? एंड द 50% दैट दे हैव गिवन इज अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। दे हैव दिस एम्बिशियस टारगेट ऑफ अचीविंग द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मोर देन 50 एंड इवन 100% इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है? हाँ, बल्कि गलत होने पे आप कभी नहीं भूलते, सही होने वाला क्वेश्चन आप हमेशा भूल जाते हैं, सही बात है। विच एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन गुजरात championed the cause of Hinayan Buddhism till 12th century AD. तो इस बार जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी आपके, तीन या चार, उसमें आपसे क्या पूछा है? बहुत ज्यादा बुद्धिज्म को फोकस किया गया है, प्रमाण से रिलेटेड बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म थोड़ा सा अभी आफ्टर, मुझे ऐसा लगता है आफ्टर यूपीएससी, यूपीएससी का फेवरेट था जैनिज्म और बुद्धिज्म काफी सालों तक, अब मुझे लग रहा है एनटीए का फेवरेट हो गया है। सो वी शुड नॉट बी लिविंग एनीथिंग रिगार्डिंग बुद्धिज्म। जल्दी आंसर दीजिए, कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय था 12वीं सदी का जहां पे हीनयान बुद्धिज्म पढ़ाया जाता था? क्विकली एवरीवन, क्विकली, एंड यू कैन सी आई एम कवरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस, दोस वर अ पैटर्न जो अभी देखे गए थे। यस, हमने सारी यूनिवर्सिटी करी है, इसमें भी, ये भी हमने करी है, राइट? वेरी नाइस, वेरी नाइस रविंद्र आधव जी। सो यस, यू आर अटेंडिंग टू। तो हीनयान महायान क्या होता है? बेसिकली हीनयान आपका बोलते हैं इट्स ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। महायान क्या है? बेसिकली इट्स बेसिकली द आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप आपका महायान हो जाता है, राइट? सो हियर द आंसर इज यस, वल्लभी। हमारा गुजरात में कौन सी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है? वल्लभी। वल्लभी वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड चैंपियन द कॉज ऑफ हीनयान बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म हमारा एक होता है हीनयान, एक होता है महायान, एक होता है वज्रयान। पता है मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। सो हीनयान वॉज टॉट हेयर।
एंड इट वॉज बिटवीन 600 BC टू 1200 BC. वल्लभी वॉज द कैपिटल ऑफ मैत्रिका एम्पायर ड्यूरिंग द पीरियड 480 टू 775. फॉर सम टाइम यूनिवर्सिटी वॉज कंसिडर्ड टू बी अ राइवल. तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी ना आपकी, विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला भी आपके बिहार में है, विक्रमशिला, नालंदा और आपकी वल्लभी, ये एक दूसरे की राइवल होती थी. जैसे आज आप समझ लो, आज आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और वो आपस में राइवल हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव IITs, ISCs, उस टाइम पे ये होता था. फाइन. सो इन सेप्टेम्बर 2017 सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड टू कंसिडर प्रपोजल टू रिवाइव द एंशिएंट यूनिवर्सिटी. तो वल्लभी को भी हम रिवाइज करना चाह रहे हैं. बद्रयान को मैं एक्सप्लेन कर दूं, बद्रयान क्या होता है, जादू टोना. इट इज बेसिकली योर मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म, जो कि आप जादू टोना बोलते हो. दिस इज बेसिकली मोर प्रोमिनेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड बंगाल रीजन, ठीक है. हाँ चलिए जल्दी से दसवां क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग रिवाइव द गुरुकुल सिस्टम इन इंडिया. भारत में निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित किया था. तो हम 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं अभी की नहीं. स्वामी परमानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर या बाल गंगाधर तिलक. वंदना वेलकम वेलकम. यस अदिति, इट्स कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा. पहले आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एंड AD. हम अब इसको क्या लिखते हैं, CE लिखते हैं. दिस इज कॉमन एरा एंड BC इज बिफोर कॉमन एरा. ये एक स्टेज बताता है आपका. बिफोर क्राइस्ट को अब हमने चेंज कर दिया है, ठीक है. यस वेरी नाइस. किसने रिवाइव किया था गुरुकुल सिस्टम को, आपको 19वीं सदी में आपने पढ़ा होगा. रेनेसा हमने पढ़ा था. फॉर एग्जाम्पल द रेनेसा एक तो आपका यूरोप में हुआ था, एक हमारे यहाँ भी हुआ था, जिसमें हमने काफी सारे डेवलपमेंट्स देखे थे. 1918-1920 में हमने देखा था सती सिस्टम हटा था, पर्दा हटा था, चाइल्ड मैरिज एबॉलिश हुई थी 1875 में. पता आपको ये सारी चीजें. तो यस द आंसर इज दयानंद सरस्वती. दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज बनाया था, अगर आपको पता है. ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज और इनका था मेन एम कि उनको गुरुकुल सिस्टम को रिवाइव करना है. वेरी नाइस. सो ही वॉज दयानंद सरस्वती जी. 1824 इनका देहांत हुआ था 1883 में. सो इट वॉज ऑन अ स्टीप डिक्लाइन इन इंडिया. जैसे हमारे यहाँ कलोनियल एरा आया, ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, हमारे गुरुकुल सिस्टम जा चुका था. तो दयानंद सरस्वती फाउंडर ऑफ आर्य समाज एंड स्वामी श्रद्धानंद वर द पाइनियर्स ऑफ द मॉडर्न गुरुकुल सिस्टम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम गुरुकुल सिस्टम को फिर से रिवाइव करना चाह रहे हैं अपने देश में. हमारा देश इंडिया वॉज सो प्राउड ऑफ द गुरुकुल सिस्टम दैट हैज नाउ बीन डिक्लाइन, इज एक्चुअली इट्स नाउ नोवेयर. तो एक बार फिर से इसको रिवाइव करने की कोशिश करी गई थी, ठीक है. 1886 में उन्होंने बनाया था दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल. दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल, ठीक है. हाँ बिल्कुल, दयानंद सरस्वती ने क्या बोला था, बैक टू द वेदास. एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, बैक टू द वेदास. सती कब हटा था, सती कब हटा था, सती हटा था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे 1820. और किसने हटाया था सती, आप मुझे बताएंगे लिखकर. हु इन इंडिया, हु विच वॉज अ रिफॉर्मर इन इंडिया, जिन्होंने सती प्रथा को हटाया था, ठीक है. ये आपके लिए क्वेश्चन है. चलिए ग्यारहवां क्वेश्चन. द ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम हैज बीन लॉन्च फॉर विच स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप. ईशान उदय एक स्कॉलरशिप स्कीम है, वो किसके लिए है. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, गर्ल चाइल्ड एज बिटवीन 10 to 16, बैकवर्ड एंड स्केड्यूल्ड कास्ट या स्टूडेंट्स ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़. वेरी नाइस वेरी नाइस. सो इट वॉज अराउंड 1829 बाय राजा राम मोहन रॉय. राजा राम मोहन रॉय वॉज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी. ही वॉज अ लिंग्विस्ट, उनको इतनी सारी भाषाएं आती थी. ही कुड राइट इन सेवरल लैंग्वेजेस. ही वॉज अ वन ऑफ द पाइनियर सोशल रिफॉर्मर ऑफ द कंट्री. राजा राम मोहन रॉय, वेरी नाइस. सच इंटेलिजेंट क्राउड स्टूडेंट्स आई हैव. चलिए इसी बात पर 11वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए. बहुत बढ़िया. राम गोपाल वर्मा, नहीं आप लगता है कंफ्यूज हो गए हैं. राम गोपाल वर्मा ने सड़क बनाई थी, सती से कोई उनका रिलेशन नहीं है, ठीक है. आप लोग भी अच्छे खासे जोक्स मार लेते हैं.
चलिए, वेरी नाइस। ईशान उदय और एक और स्कीम है ईशान विकास। सो ये दोनों भाई भाई स्कीम है, एक याद रखेंगे दूसरी भी याद रखनी है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन पेपर टू, दैट्स वेरी नाइस। चलिए, सो सब सही आंसर दे रहे हैं, बड़ा आसान प्रश्न है ये। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ईशान उदय लाई आई थी स्कीम, और ये हमारे खुद के हमारे अपने यूजीसी ने लाई थी, ठीक है। तो ईशान उदय फ्रॉम 2014 टू 15, ये एक स्कॉलरशिप बेस्ड स्कीम है, ठीक है, जिसका एम क्या है, इंक्रीज करना है GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज करना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स का। वैसे ही एक स्कीम आई थी ईशान विकास, इसमें क्या करना है, इसमें दे विल सेलेक्ट फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड दे विल सेंड देम टू द IITs, ताकि क्या हो, उनको एक्सपोजर मिले, दे कैन गो देयर एंड सी व्हाट अमेजिंग इंस्टीट्यूट्स आर दीज IITs, एंड दे विल बी अल्टीमेटली इंस्पायर्ड एंड दे विल वर्क हार्ड एंड इवेंचुअली गेट इन टू देम। सो यस, ईशान उदय ईशान विकास दोनों आपको याद रखनी है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, सूरज उदय कहाँ से होता है, ईस्ट से। सूरज कहाँ से उदय होता है, हमारी ईस्ट से, इसलिए आप याद रखेंगे उदय कहाँ की स्कीम है, नॉर्थ ईस्टर्न की, ठीक है। हाँ वेरी नाइस, सब पढ़ा दिया है, इसलिए अब थोड़ा सा अपना बताइए आप कि कितना रिवाइज किया है। द आइडिया ऑफ फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड बाय, चार पिलर्स ऑफ एजुकेशन किसने सुझाव दिया था, यूनिसेफ, यूजीसी, एनसीडीई या यूनेस्को। हाँ क्विकली क्विकली, यस वी हैव ऑलरेडी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम सती प्रथा एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड राजा राम मोहन रॉय, लेट्स मूव टू द करंट सिनेरियो, बताइए इसका आंसर दीजिए। यस राइट आंसर इज ए, फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड बाय यूनिसेफ। सो आप देख सकते हैं यूनिसेफ काफी ज्यादा शिक्षा में जो भी चीजें आती हैं, इट इज बाय यूनिसेफ ओनली। एक यूनिसेफ की एक रिपोर्ट भी थी, दैट इज वेरी मच इन न्यूज, जिसने शिक्षा को स्थापित करने में काफी मदद करी थी। यस वेरी नाइस, सॉरी इट्स यूनेस्को, सॉरी आई मिसस्पेल्ड इट। यूनेस्को की एक रिपोर्ट थी जिसने, द नेम यू शुड बी सर्चिंग अबाउट इट, कि वो रिपोर्ट का नाम क्या था, दैट वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन, जिसका आंसर है यूनेस्को। फाइन, चलिए, द फोर पिलर्स ऑफ लर्निंग इट वॉज गिवन इन 1996, 1996, एंड वॉट वॉज इट, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू दैट इज स्किल्स, लर्निंग टू बी योर पर्सनैलिटी, लर्निंग टू लिव टूगेदर। तो ये इसके चार पिलर्स थे यूनेस्को की रिपोर्ट के। हाँ बी ही आंसर है इसका, बी नहीं है। चलिए 13th क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू मैच, मिशन्स एंड योजनाज आर गिवन ऑन वन एंड एंड यू हैव टू मैच विद द लॉन्चिंग ईयर। जैसे अभी आपसे रूसा का पूछ लिया, रूसा उन्होंने पूछा कब आया, 2013 में, हो सकता है वो पूछ ले स्ट्राइव कब आया, एनईडी कब आया, राष्ट्रीय उच्च आविष्कार योजना कब आई या NSQF कब आया। सो टेल मी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल डी ही है उसका, यूनेस्को है, यूनिसेफ नहीं है। हाँ जल्दी से 13वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 13th क्वेश्चन। यू जस्ट हैव टू मैच, कौन सी स्कीम, वॉट वॉज द लॉन्च ईयर ऑफ विच पर्टिकुलर स्कीम। एजुकेशन इट्स यूनेस्को, यूनिसेफ येस इट्स बेसिकली डूइंग थिंग्स फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द वर्ल्ड, यूनिसेफ, ठीक है। आपने बचपन में यूनिसेफ के द्वारा कंडक्टेड पेंटिंग कॉम्पिटिशन में भी पार्ट लिया होगा, सो दैट इज द थिंग। हाँ सो इसका आंसर दीजिए, दिस इज इन हिंदी, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है आराम से हिंदी में भी पढ़िए और आंसर दीजिए। डन, चलिए तो मैं आंसर दे देती हूँ। सबने अपना लक ट्राई कर लिया है या इंटेलिजेंस ट्राई कर लिया, मेमोरी ट्राई कर लिया, यस इट्स बी।
सबको क्या लग रहा है? सी. एक बार आप में देख लेते हैं, आप में क्या लग रहा है? ओके ओके, लेट्स सी लेट्स सी. सो शिवांशी इज सेइंग मैम बी 100%. सो स्ट्राइव, स्ट्राइव क्या है? इट इज स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट. इट इज अ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी इन नवंबर 2016. नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी एनईडी, इट वॉज सेटअप इन 2017. एनईडी में क्या आते हैं? हमारे पूरा हमारा अकेडमिक अवार्ड, जितना भी हमारा पुराना हमारी मेहनत है, मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमास, एवरीथिंग दैट इज एन एनईडी. एनएसक्यूएफ, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्किल डेवलपमेंट. योर स्किल इंडिया मिशन जो 2014 के बाद से और ज्यादा न्यूज में आ गया है, फाइन, इट इज एस्टैब्लिश इन 2013. क्या है? एक फ्रेमवर्क है. So any person, any skilled person, he could be a gardener, he could be a carpenter, he could be a plumber, उनको एक आपको certificate दिया जाएगा और उनका एक होता है prior learning. So basically they will be having this thing कि आपने पहले आपको कितना knowledge है and accordingly you will be given this. Fine, हाँ. उच्चतर आविष्कार योजना वॉज लॉन्च इन 2015 बाय एमएचआरडी. तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस क्या सही मार्क किए हैं कि नहीं किए हैं. ठीक है. सो स्ट्राइव कब आया था आपका? यस, इट वॉज इन 2016. तो आपका ए गलत हो जाता है, ए गलत हो गया. एनईडी कब आया था आपका? एनईडी आया था 2017 में, तो बी बिल्कुल सही है. एनएसक्यूएफ कब आया था? ये आया था आपका 2014 में, एज यू कैन सी हियर. You can see here 2013 and 14. तो आपका ये भी गलत हो गया. This is also wrong. आविष्कार योजना, yes. So बिल्कुल आपका B ही सही है. Done? Any doubt? आविष्कार योजना was in 2015. जैसे आपने स्ट्राइड पढ़ा वैसे एक स्कीम है स्ट्राइड. स्ट्राइड भी एक स्कीम है, that is by UGC only. Another extra information. Scheme for Transdisciplinary Research for India's Developing Economy. STRIDE क्या है? एक transdisciplinary approach है. जैसे for example आपको research करनी है, आपको transdisciplinary subject, for example one could be from your social sciences, one could be from your mathematics. So इसमें आप ऐसे transdisciplinary research में आप कर सकते हो. ये एक UGC की scheme है STRIDE. ठीक है, चलिए 14th question. Instructional communication. 14 क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से. हाँ, इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन इन द डिस्टेंस एजुकेशनल मोड इज अनस्ट्रक्चर्ड, सेल्फ रेगुलेटरी, इनफॉर्मल या स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरैक्टिव. तो आपको 14 का बताना है रिगार्डिंग योर डिस्टेंस एजुकेशन. यस. सो इस बार क्वेश्चन आया था ओपन एजुकेशन पे कि पहला संस्था ओपन एजुकेशन की कौन सी थी. So that's why distance and open education are again very important because that is the thing right now. अभी हम सब ऐसे ही पढ़ रहे हैं. Fine, it will be almost 2 hours or 1 hour 45 minutes marathon ताकि आप 2 बजे से पहले free हो जाएं. Yes, तो इसका answer है बिल्कुल, इसका answer है D. That is structured and interactive. क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरैक्टिव. तो डिस्टेंस एजुकेशन मोड द इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर इज प्लान टू एंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट. कोर्स बुक, स्टडी मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड. फॉर एग्जांपल इग्नू, इग्नू प्रोवाइड कंप्लीट कोर्स बुकलेट्स एंड स्टडी मटेरियल. ठीक है. सो डिस्टेंस मोड इज ऑल्सो इंस्ट्रक्शनल एंड ऑल्सो इंटरैक्टिव. जैसे हम अभी ऑनलाइन क्लास करते हैं, कितना इंटरैक्टिव है. मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हैं. स्ट्रक्चर्ड होता है, हम कोर्सेज आपको देते हैं, स्वयं है, स्वयं भी स्ट्रक्चर्ड है, राइट. सो आपको थोड़ा सा ये ओपन यूनिवर्सिटीज प्लीज पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इंदिरा गांधी आपका इग्नू है, बी आर अम्बेडकर हैदराबाद, दैट इज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री. क्योंकि ये पूछ चुके हैं तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आ सकते हैं. मध्य प्रदेश में भोज विश्वविद्यालय है, ठीक है. अहमदाबाद में बाबा साहब अम्बेडकर, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, यशवंतराव चमन महाराष्ट्र में, नेताजी सुभाष चंद्र कर्नाटका, ऑल दीज आर योर ओपन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. ठीक है, हाँ, वेरी नाइस. चलिए
15th question. Chanakya or Kautilya is said to have been a professor at which famous ancient India center of learning? जो आप चाणक्य हैं, जिनको आप कौटिल्य उनका नाम है, उनको चाणक्य भी बोलते हैं, वो कहाँ के प्रोफेसर थे? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला की उज्जैन? यस, जल्दी बताइए, जल्दी इसका आंसर दीजिए. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एंशिएंट एजुकेशन. पीपल ऑन द ऐप एज वेल, यस, सो बी आर अम्बेडकर ओपन इग्नू से भी पहले आया था. इग्नू आया था 1985 के आसपास. बी आर अम्बेडकर ओपन विश्वविद्यालय आया था 82 में, तो ये और पुराना है. ठीक है, हाँ, इसका आंसर है बिल्कुल तक्षशिला. तो हमने आपको बताया था तक्षशिला के फेमस जो एलुमनाई हैं, जो वहां से पढ़ चुके हैं, इसमें आपके आते हैं कौटिल्य. ठीक है, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य भी यहाँ पे पढ़े थे काफी समय तक, चंद्रगुप्त, एंड ऑल्सो आपका जो जो आपकी बेसिकली मेडिसिन पे जिन्होंने बुक लिखी है, जैसे आपका सुश्रुत, सुश्रुत हो गए, आपके चरक हो गए. दीज वर द पीपल हु वर पाइनियर, हु वर एक्चुअली एसोसिएटेड विद द तक्षशिला यूनिवर्सिटी. सो चंद्रगुप्त मौर्य, सुश्रुत, चरक, ऑल दीज पीपल. ठीक है, तो हाँ, कौटिल्य और चाणक्य, हु इज फेमस फॉर द अर्थशास्त्र एंड मेंटरिंग चंद्रगुप्त मौर्य, वाज इनिशियली सेड टू बी अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट तक्षशिला. तो वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है आपकी तक्षशिला, आप देख सकते हैं. अभी करंट पाकिस्तान में आती है, पहले ये गंधार में आया करती थी. गंधार राज्य अफगानिस्तान, आपको मैं बता चुकी हूँ, गंधार की महाभारत में आपने देखा होगा, मामा शकुनी, ये सब गंधार के थे, वहीं पर ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड थी. हाँ, अभी ये इंडिया में नहीं आता है. वेरी नाइस, बिल्कुल विष्णुगुप्त. 16th क्वेश्चन, स्वच्छता पखवाड़ा 2019, सो अ करंट अफेयर फॉर यू. फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वॉज कंडक्टेड फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स. सो आपको पता है स्वच्छता पखवाड़ा होता है आपका बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू स्वच्छ भारत मिशन. तो 2019 का पखवाड़ा हायर एजुकेशन के लिए कौन सी तारीख में रखा गया था? सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बताइए. बिल्कुल, मैथोलॉजिकल सीरीज देखना चाहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिल ही जाता है, कभी कौन सा ज्ञान काम आ जाता है हमें नहीं पता. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे गंधारी का नाम इसलिए रखा गया था, वहां पे ट्राइब थी, दे वर बेसिकली बिलोंगिंग टू ट्राइब्स, ट्राइबल पीपल थे, आप उनकी वेशभूषा से भी देख सकते हैं, राइट. हाँ, पाकिस्तान के रावलपिंडी में है अभी. चलिए, वेरी नाइस पीपल ऑन द ऐप, 16 क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है आपको? हाँ, ओके, पहला ही इसका आंसर है, सितंबर 1st से लेके 15. ये स्वच्छता पखवाड़ा क्या है? ये बेसिकली अलग 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 मिनिस्ट्रीज के लिए अलग अलग दिन पे निर्धारित किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इट वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 1st to 15th September. स्वच्छता ही सेवा 2019 ऑब्जर्व इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम दिस बीबीए एंड एमबीए कोर्सेज ऑन वेस्ट मैनेजमेंट लॉन्च. तो क्या किया था इन्होंने? कोर्सेज लॉन्च किए थे वेस्ट मैनेजमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, बीबीए और एमबीए कोर्सेज लॉन्च हुए थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, और क्या है स्वच्छता पखवाड़ा? इफ यू सी हेयर अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए होता है. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का हुआ था सितंबर में, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का भी हुआ था सितंबर में, शिपिंग का हुआ था. सो दिस इज बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. आपकी जो जल शक्ति मंत्रालय है वो इसको लॉन्च करवाता है. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीनशॉट आई हैव अटैच्ड हियर सो दैट यू शुड बी नोइंग कि किसके द्वारा ये किया गया है. डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये देखिए. ठीक है, एनी डाउट? चलिए, सेकेंड क्वेश्चन, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट परामर्श?
परामर्श स्कीम के बारे में आपको बताना है क्या गलत है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, स्कीम टू मेंटोर इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर एक्रेडिटेशन स्टेटस, इट एम्स टू ऑफर ऑनलाइन डिग्री, यूजीसी गाइड फॉर स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, इट प्रमोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो परामर्श मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। यस, क्विकली गाइस, वी आर 395 लाइव ऑन यूट्यूब, लेट्स मेक इट 400। यस, आज हम मैराथन सेशन में दिखा देते हैं कि आज हम सब सोच के बैठे हैं कि हम पूरी पढ़ाई करके ही उठेंगे। फाइन, सो हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस, सब सही आंसर दे रहे हैं। यस, श्वेता, शुभी वर्मा, कनिका गोयल, यस वी हैव डन दैट, दैट्स व्हाई यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग इट। क्लासरूम में पढ़ाया है मैंने, जिन्होंने ग्रेड अप कोर्स लिया उनको पढ़ाया है, बिल्कुल इसका आंसर ए है। परामर्श स्कीम क्या है? एक प्रकार का मेंटरशिप प्रोग्राम है यूजीसी के द्वारा, जो कि इंस्टीट्यूशन को मेंटर करता है। व्हाई? सो दैट दे कैन हैव देयर एनएएसी एक्रेडिटेशन। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल गिव्स यू एक्रेडिटेशन, एंड दिस स्कीम वाज लॉन्च ऑन 18th जुलाई 2019। तो ये भी एक प्रकार का करंट अफेयर है। ठीक है, तो आपको पता है एक्रेडिटेशन एनबीए देता है और एनएएसी देता है, दोनों एस्टैब्लिश हुए थे 1994 में। एनएएसी का हेडक्वार्टर है बैंगलोर में, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनबीए का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्लियर? वेरी नाइस कुंदन सरकार, शालू मौर्य, सुजाता जीना, एवरीवन, ऑल द इंटेलिजेंट पीपल। 18 क्वेश्चन, क्विकली जल्दी जल्दी, हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी। एसर्शन रीजन, एसर्शन दिया है इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश 5 आईआईटीज बिटवीन 1950 एंड 61। रीजन दिया है दिस वाज इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकार कमिटी रिपोर्ट। तो आपको बताना है, एक क्वेश्चन है आईआईटी के बारे में, आईआईटी की स्थापना कब हुई थी और किस रिपोर्ट के सजेशन पे हुई थी। दिस इज इन हिंदी फॉर यू। एनबीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। फाइन, दैट द हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। दिस इज इन हिंदी, हिंदी में भी देख लीजिएगा। Yes, again English, few seconds more. Vijay Patel, NAAC ka full form hai National Assessment and Accreditation Council. Yes, okay, chaliye, bahut ho gaya time, itna zyada time nahi dete. Dono sahi hai aur dono iska assertion ka reason bhi sahi hai, bilkul bilkul sahi hai. Sarkar committee report se hi aapke IITs establish hue the. To hum dekhte hain एनआर सरकार। एनआर सरकार मतलब क्या है, देखिए, हिस्ट्री ऑफ आईआईटीज गोज बैक टू 1946, जब सर जोगेंद्र सिंह ऑफ वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेट अप अ कमिटी, जो उन्होंने बताया था कि हमें कुछ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए टेक्निकल एजुकेशन में। तो 22 मेंबर कमिटी वॉज हेडेड बाय नालिनी रंजन सरकार, एनआर सरकार, ठीक है, रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीज आईआईटीज। सो फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज फाउंडेड इन मे 1950 वेस्ट बंगाल, एंड द नेम आईआईटी वॉज एडॉप्टेड बिफोर द फॉर्मल इनॉग्रेशन। 1951 के पहले उनका नाम आईआईटी रख दिया था। फाइन, सो यू कैन सी दैट इन द लाइन ऑफ एमआईटी, एमआईटी के तर्ज पे आपको अपने देश में भी ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेज बनाने हैं। 19 स्टूडेंट्स इन आश्रम सिस्टम वर नोन एज, जो आश्रम सिस्टम है, जो आश्रम आपका प्रथा था, जो आपके चार आश्रम होते थे, तो हम उनको क्या बोलते थे, बच्चों को आश्रम प्रणाली में छात्रों को किस नाम से जाना जाता था, बालक, ब्रह्मचारी, शिष्य या ब्राह्मण। क्विकली पीपल, देखते हैं कौन लास्ट तक जम पाता है। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, ट्रस्ट मी यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। The remaining will be from environment. ये सारे higher education है, फिर हम environment start करेंगे, तो आपको थोड़ा change भी हो जाएगा। We will not be like too, it won't be too monotonous for you.
ओके सो द आंसर, हाँ तो ये आपको पता है बहुत आसान है, ब्रह्मचारी। हम क्या बोलते थे, आपके चार आश्रम होते हैं, वी हैव फोर आश्रम्स इन द लाइफ ऑफ अ नॉर्मल, आई मीन नॉर्मल क्या, इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन। हम पहले के जमाने में बोलते थे, इन द वेदिक एरा, कि चार आश्रम होते थे, ठीक है, ब्रह्मचारिण, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। कौन कौन से होते थे, ब्रह्मचारिण, गृहस्थ, गृहस्थ मतलब शादीशुदा वाला, देन वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आप कहाँ, आप वन को चले जाते हो, यू आर लीविंग एवरीथिंग, डन विद द गृहस्थ आश्रम, ठीक है, देन फाइनली सन्यासिन। अब आप बहुत, आपने देख लिया, सब कर लिया, सारे जीवन के आपने सुख उठा लिया, अब आप सन्यासी बन जाएंगे, अब आप अपना मेडिटेशन करेंगे, भगवान को अपना समय देंगे। गरिमा सिंह, आई कैन नॉट एक्सप्लेन एमडीजी हियर अगेन, प्लीज वॉच माई वीडियो, देर आर मेनी वीडियोज ऑन एमडीजी। फाइन, सो स्टूडेंट वेंट टू द हाउस ऑफ गुरु, गुरुकुल, और उन्हीं के साथ रहते थे, सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते थे, स्क्रिप्चर्स और लॉजिक पढ़ते थे, और उनको क्या देते थे, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा देते थे, और उनको सिखाते थे लाइफ ऑफ धर्मा, नॉट ओनली मटेरियलिज्म। ऐसा नहीं कि आप जॉब लो, कारें खरीदो, मकान खरीदो, नहीं, धर्म का भी आपको पालन करना है। यस, वेरी नाइस। चलिए 20th क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन ऑन बुद्धिज्म, बिकॉज आई हैव दिस गट फीलिंग बुद्धिज्म विल बी आस्क्ड मोर। आपको बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में बताना है, यू नो देवर फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो कि कंडक्ट हुई थी, जिसमें अलग अलग बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में बताया गया था। इन वन ऑफ द काउंसिल आपको इवन जो आपके बुद्धिज्म के दो सेक्ट्स होते हैं, महायान और हीनयान, वो भी निर्धारित हो गए थे, ठीक है, लोग बढ़ गए थे, कुछ लोग महायान फॉलो करते थे, कुछ लोग हीनयान फॉलो करते थे, लाइक दैट। एक में आपकी जो पिटिकास होती हैं, यू हैव पिटिकास, बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, वो भी आपकी लिखी गई थी एक काउंसिल में, तो आपको मैच करना है, जल्दी बताइए। टेल मी द आंसर, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो आपको पता है सूत पिटिका, विनय पिटिका, अभिदान पिटिका, तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं, एंड देवर लाइक टू लैंग्वेजेस मोर प्रेवलेंट, पाली एंड प्रकृत, ठीक है। पाली में, प्रकृत में जैन होता था, जैनिज्म टेक्स्ट प्रकृत में होता था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाली भाषा में होता था। ओके सो सब लोग बोल रहे हैं ए, मुझे ऐसा लगा था हिस्ट्री वाले बच्चे जरूर जल्दी आंसर देंगे। यस, सो द राइट आंसर इज ए, अमेजिंग, वेरी नाइस। सो द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर किंग अजात शत्रु, ठीक है, और विद द मॉन्क, क्या मॉन्क का क्या नाम था, महाकश्यप। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, वैशाली, बिहार। थर्ड और किंग कौन थे, काल अशोका, सो बेसिकली हेयर वॉज काल अशोक, हेयर वॉज अशोक। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी मौर्यन किंग, जो आपके द ग्रेट अशोका, पाटलिपुत्र, और उनके मॉन्क कौन थे, मोगली पुट तिसा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो फाइनली हुई थी आपकी कश्मीर में, कश्मीर में हुई थी, और इसके प्रेसाइडेड बाय वासुमित्रा। सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल, आप कैसे याद रख सकते हैं, अजात शत्रु, अजात शत्रु, काल अशोका, अशोक और वासुमित्रा। हेयर यू कैन सी दैट दिस इज अ टेबल, अजात शत्रु, काल अशोका, अशोका, कनिष्क, जो राजा कनिष्क थे उनके अंडर हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। प्लेस अगर आपको याद रखनी है, यू कैन राइट राजगिरा, सो आप जैसे लिखते हैं ना, आप कहीं जाते हैं, यू वेन एवर यू वॉन्ट यू आर इन्वाइटेड, आप क्या देते हैं, RSVP, हम RSVP करते हैं कि आई विल बी कमिंग, सो यू कैन रिमेम्बर एस राजगिरा, आयस नहीं है, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कश्मीर लास्ट में, तो एक शॉर्ट फॉर्म है, मैंने ऐसे याद रखा था, जब मुझे याद रखना था, आप भी ऐसे याद रख सकते हैं, RSVP, एस हटा दो, सो राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कश्मीर। बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज नॉट एस्टैब्लिश, ये काउंसिल होती थी, संगोष्ठी, वेर द पीपल ऑफ द बुद्धिस्ट सेक्ट यूज टू बी कमिंग टूगेदर, दे यूज टू कम टूगेदर एंड दे यूज टू डिस्कस सर्टन थिंग्स, कि कैसे क्या होना चाहिए, क्या हमारे धर्म में सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऑल दोस थिंग्स। चलिए, द रेसिपियंट ऑफ एम्बेसडर फॉर कॉन्शियसनेस, इस बार आपका एनटीए ने क्या पूछा था आपसे, एक और ब्रांड एम्बेसडर पूछा था, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WWF,
ठीक है, आपका बेसिकली आपका एक फंड है जिसका अभी 50वां साल मना है. दैट वाज एक्चुअली आवर ब्रांड एम्बेसडर. उसका आंसर क्या था? विश्वनाथन आनंद. तो आपसे वो पूछ सकते हैं, एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस फॉर कॉन्शियस अवार्ड किसको मिला? यस, वेरी नाइस गायत्री. ऑल आर दीज न्यू क्वेश्चन, हाउ वुड दे विल बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन, करंट अफेयर क्वेश्चन मोस्टली. हाँ, इसका आंसर है ग्रेटा थनबर्ग. सो ग्रेटा थनबर्ग द एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड इज एमनेस्टी इंटरनेशनल मोस्ट प्रेस्टिजियस ह्यूमन राइट अवार्ड. ये क्या करता है? ये सेलिब्रेट करता है ऐसे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को जो कि ह्यूमन राइट्स में काम करते हैं. ग्रेटा थनबर्ग को मिला था क्योंकि उन्होंने एक मूवमेंट किया था, क्या? फ्राइडेज फॉर फ्यूचर. बहुत फेमस है ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर. शी यूज टू मिस हर स्कूल. वो हर शुक्रवार को स्कूल नहीं जाती थी, स्कूल के बाहर बैठ जाती थी एक अपना बोर्ड लेकर कि शी हैज टू सेव द वर्ल्ड. एंड यस, क्लाइमेट चेंज इज रियल. यू कैन सी दैट क्लाइमेट चेंज इज अ रियल डील. वी कैन सी एवरीथिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस. 22वां क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री विल होल्ड UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. कौन सी कंट्री UNFCCC का कॉप 26 को होस्ट करेगी? जर्मनी, स्कॉटलैंड, यूएसए या फ्रांस? क्विकली टेल मी द आंसर फॉर दिस. थकना नहीं है, मैं भी आपके साथ बैठी हूँ, मेरा तो एग्जाम भी नहीं है. आई एम तो द पर्सन हु इज टॉकिंग ऑल्सो. आई एम नॉट इवन हैविंग टी और कॉफी. यू कैन हैव दैट, यू हैव द लग्जरी टू हैव दैट ऑल्सो. तो बने रहिए, बैठे रहिए मेरे साथ, कोशिश करके सारे क्वेश्चन तक लास्ट तक रहिएगा. यस, वेरी नाइस. सो वी हैव डिस्कस दिस. द वेन्यू ऑफ कॉप 26 जो कि पोस्टपोन हो गई है वो है स्कॉटलैंड. ठीक है, हाँ, वेरी नाइस. सो आप ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल पेज है UNFCCC का. कॉप 26 पोस्टपोन, ये ऑफिशियल रिलीज आई थी अप्रैल 2020 में. एक क्लाइमेट प्रेस रिलीज की थी यूएन क्लाइमेट ने, जिसमें उन्होंने बताया कि जो कि अभी नवंबर में होने वाली थी दैट विल नाउ बी पोस्टपोन टू 2021 नेक्स्ट ईयर. ठीक है, हाँ, पास रखा हुआ एग्जाम तक. अरे बाप रे, इतनी शिद्दत. नहीं नहीं आपको खाने की जरूरत है, यू शुड बी रिक्वायरिंग एनर्जी, तो खाया भी करिए. फाइन, 25 कहाँ हुई थी? स्पेन में मड्रिड. 24 कहाँ हुई थी? पोलैंड कटोवाइस. सो आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट जो है आपके एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी आलोक शर्मा. इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट का नाम है आलोक शर्मा कॉप 26 के. ठीक है, हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन है. ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड. ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड एम्स टू इंट्रोड्यूस वन डिजिटल एंड इंटरैक्टिव बोर्ड पर क्लासरूम इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल. कौन से साल था? एक ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड है, एक पहले आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अब आया है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड. यू हैव टू टेल मी बाय विच ईयर दे हैव टू एस्टैब्लिश वन डिजिटल बोर्ड इन ऑल द क्लासरूम्स. क्विकली क्विकली. क्लासरूम पीपल, वी हैव डन दिस क्वेश्चन. याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि आपका फेवरेट ईयर है 2022, 2030, आप हर चीज में 22 बोल देते हैं. हाँ, यस, इसका आंसर है 2022, 2022. सो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड विल बी वन डिजिटल एंड इंटरक्टिव बोर्ड इन ऑल द क्लासरूम्स इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल. सो जस्ट इमेजिन, आज से 2 साल बाद आपके हर सरकारी स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगेंगे. Isn't it too ambitious? But let's see if they are saying they might do it later. And UGC. UGC will be the implementing agency for the ODB. Operation Digital Board. इसके पहले आया था OBB. Operation Blackboard. ठीक है? हाँ. Very nice. अब आपको बताना है Institute of Eminence के बारे में. Another very important current affairs. Institute of Eminence. क्या होता है? Each government institute selected is given 1000 crore.
Each private institution selected is given 1,000 crore. IOE tag is given to institute under 50 on NIRF ranking. या ये जो टैग है जो अंडर 500 होते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग पे उनको मिलता है. सो दिस इज वेरी मच इन न्यूज. भारत से अभी 6 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट हुए थे. आई एम गिविंग यू एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. दे कैन इवन आस्क यू हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस आर सेलेक्टेड फ्रॉम इंडिया अंडर दिस स्कीम. तो पहले था देवर लाइक मोर देन 20 बट राइट नाउ ओनली 6 आर सेलेक्टेड. ब्लैक बोर्ड आया था 80s में. हाँ, क्योंकि तब ब्लैक बोर्ड ही होना बहुत एक बड़ी बात थी कि हम शिक्षा को उस तरीके से पहुंचा दें कि सब जगह ब्लैक बोर्ड हो. यस, जल्दी बताइए. हाँ, तो आप ब्लैक बोर्ड का एग्जैक्ट ईयर देख लेना. इट कुड बी 1996 और वट एवर इज द राइट करेक्ट ईयर. नाइस. सो इसका आंसर है आपका सी 134 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस. सारे के सारे बच्चे सी बोल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया. सी क्यों है? बिकॉज 2 इज नॉट द राइट आंसर. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिलेक्टेड विल नॉट बी गिवन 1,000 crore. सो व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस? दे विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस. सरकार उनको पैसा देगी अराउंड 1,000 crore ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. सो जो कि आपके टॉप 50 में आए हो NIRF में, टॉप 50 ऑफ योर नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, और टॉप 500 आए हो आपके QS वर्ल्ड रैंकिंग में. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. करंटली 6 आर सेलेक्टेड. कितने हैं? एक है आपका IIT मुंबई, IIT बॉम्बे, IISc, और भी 3 सेलेक्ट होने वाले हैं. आपका है उसमें एक जियो इंस्टीट्यूट, ठीक है, और आपका एक मणिपाल है. सो बेसिकली यू हैव टू सी व्हाट आर द 3 अदर इंस्टीट्यूट. मेन इंस्टीट्यूट दैट आर सेलेक्टेड आर मुंबई, बॉम्बे, दिल्ली, IIT मुंबई, IIT दिल्ली एंड IIS. हाँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986. वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलिए 23rd क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड. तो मुझे लग रहा है हम शायद 30 या 35 ही कर पाएंगे. काफी सारा एक्सप्लेनेशन है इसमें, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं. आपको कैंपा के बारे में बताना है. कैंपा वॉज गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 2019. कैंपा सुना है आपने, क्या है? पहली बात तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट परस्पेक्टिव में. फुल फॉर्म है कैंपा का, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एंड बेसिकली योर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी. सो 10% of the fund under the CAMPA will go to national fund, 90% will go to the state fund. Ha, yes, yes. Very nice. बताइए, ये है हिंदी में. हाँ, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे प्राइवेट को देना चाहिए. बिल्कुल, ये कॉन्ट्रोवर्सी में भी था बिकॉज जियो इंस्टीट्यूट वॉज प्रपोज्ड. जियो इंस्टीट्यूट अभी बना भी नहीं है. So that attracted a lot of controversy. That's why it could be asked or it could not be asked. Quickly guys, quickly, at least 30 question कर लें. हम 50 का target लेके चले थे. हाँ, okay, yes, इसका answer है B. केवल 2. CAMPA क्या है? CAMPA basically एक fund है. जो भी आप development होता है उसमें आपको क्या होता है? फॉरेस्ट लॉस होता है. यू नो दैट यू हैव टू कट द फॉरेस्ट. तो वो जो फॉरेस्ट आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट कट करते हैं उसका कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा. द कंपनसेशन बेसिकली इन द टर्म्स ऑफ मनी कि आप अगर ये पेड़ नहीं काटते तो इसकी जगह क्या क्या हो सकता था. सो बेसिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेट वैल्यू. आपका बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू उसमें कैलकुलेट होती है. पेड़ों से और क्या क्या मिल सकता था? यस. सो 10% गो टू द नेशनल फंड, 90% गो टू द स्टेट फंड. सो एनी टाइम इफ यू वॉन्ट टू डाइवर्ट द फॉरेस्ट लैंड तो आपको पैसे देने पड़ते हैं किसी भी इंडस्ट्री को. दिस इज स्टेट्स टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द मनी. पार्लियामेंट ने ये पास किया था. कितने? अराउंड 42,000 crore. इमेजिन, इतना पैसा है. इससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट ऑब्वियसली. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज इनकरेक्ट.
तो आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है WCCB के बारे में। लगता है थक गए कि जोश है अभी भी? बताइए, आर यू गाइस टायर्ड ऑलरेडी? पेपर आने वाला है फिर तो आराम ही आराम है। ठीक है, ज्योति कैंपेन नहीं है, कैंपा है। कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। थके हैं कि जोश है? हाँ, चाय भिजवाऊं आपके लिए मैं आप लोग के घरों में, अगर आपको कॉफी की जरूरत है, ग्रीन टी की जरूरत है। आजकल सब ग्रीन टी पीते हैं, राइट, ब्लैक कॉफी पीते हैं। तो जो जो भी आपको चाहिए, आप प्लीज हैव दैट, ईट समथिंग बट टेल मी द आंसर्स। वेरी नाइस। सो JRF लेना है कि नहीं लेना है? आपको भी मुझे ऐसा मैसेज करना है कि नहीं करना है? मैम, ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड वर कवर्ड बाय यू, वी हैव डन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। करना है कि नहीं करना है? यस यस, वेरी नाइस। तो बिल्कुल हल्के में नहीं लो, मतलब पेपर है, पेपर को वैल्यू दो। एनटी इतनी मेहनत कर रहा है, सोचिए इतने सारे दिन करवाएगा, तो हमें भी तो अपना थोड़ा सा फर्ज निभाना है, हमें भी तो पढ़ना है, राइट? भूख लगी है खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। भूख लगी है खा लो, सैंडविच खा लो, बिस्किट खा लो, ग्लूकोज ले लो, पर आंसर करो। यस, ओके। तो 24th क्वेश्चन का आंसर है डी, बिल्कुल इसका आंसर है डी। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, बेसिकली वाइल्ड लाइफ में जो क्राइम होता है, जैसे आपने देखा होगा राइनोसोरस, एलिफेंट के ट्रंक, ऑल दीज थिंग दैट आर सोल्ड इन ब्लैक मार्केट, ठीक है, ट्रेडिंग होती है इसमें, इसलिए एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया है 2007 में। दैट कम्स अंडर नहीं मेघा, मैंने नहीं किया, दैट कम्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। फाइन, इट इज एक्चुअली डन फॉर इन्फोर्सिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। और ये क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो इसके कुछ तहत बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। ऑपरेशन थंडरबर्ड रेप्टाइल्स के लिए है, इलीगल ट्रेड जो होता है, ठीक है। ऑपरेशन वाइल्ड नेट, ऑपरेशन बीरबिल बर्ड्स के लिए है। ऑपरेशन सेफ कुर्मा टर्टल्स के लिए है, जैसे ऑलिव रिडली टर्टल्स है। और सॉफ्ट गोल्ड जो आपका वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है टिबेटन एंटीलोप में, जिसको आप शहतूश बोलते हो, शहतूश में भी, और इसको रोकने के लिए सारे ऑपरेशन है, ठीक है। हाँ, क्या बात है, सिर्फ 6 घंटे सो रहे हो, वेरी नाइस। मेहनत है, मेहनत बिल्कुल फल देती है, ठीक है। आज मेहनत कर लेंगे, कल को आपको उसका फल भी मिलेगा। योर हार्डवर्क विल बी पेड ऑफ, हैव दिस ट्रस्ट। फाइन, चलिए, द टॉप 3 सस्टेनेबल गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर कंट्री लाइक इंडिया इंक्लूड। अब आपसे इसमें घुमा के पूछा है, SDG में भारत जैसे देश के लिए कौन से टॉप 3 SDG हैं? So you have been given decent work, affordable clean energy, poverty, zero hunger, quality education, good health. All these are your SDGs, but you have to tell the top 3 for India, country like India. हाँ, very nice. App वाले बच्चे हो कि नहीं? Smile, जानवी, प्रकाश, सपना, कोमल शर्मा, दीपा राठौर, हाँ, सबसे पहले तो हमें डट के रहना, बिकॉज वी हैव बीन डूइंग सो हार्ड वर्क अभी तक। इट शुड नॉट बी लाइक लाख आखिर तक आते आते हम लोग क्या कर लें, हम लोग ठंडे पड़ जाएं, बिल्कुल नहीं। वेरी नाइस। सो इसका आंसर देखते हैं क्या है। 25 का आंसर है सी, ठीक है, बिल्कुल सब लोग बहुत सही बता रहे थे, वेरी गुड, वेरी नाइस। भारत जैसे देश के लिए, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, क्या है, C, D और F। हमें हमारी प्रायोरिटीज क्या है, पावर्टी हटाना है, हम बाकी चीजें बाद में सोचेंगे, क्लीन एनर्जी हम बाद में सोचेंगे, हंगर हटाना है, हमें पहले भुखमारी हटानी है, हमें गुड हेल्थ करना है, हमें सारी बीमारियों को हटाना है, जैसे टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, पोलियो हो गया। सो द डेवलपिंग कंट्री एंड कंट्री विच अ ह्यूज पॉपुलेशन, उनके लिए 3 है, हाँ, ठीक है। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 26 का आंसर दे दीजिए जल्दी से, आपका फेवरेट टॉपिक है ISA। आपको आंसर देना है इंटरनेशनल सोलार अलायंस के बारे में। इट वॉज लॉन्च इन नवम्बर 2015। इंटरिम सेक्रेटरिएट इज इन न्यू दिल्ली।
funds are created by India only. United Nations is a partner of ISA, will help in achieving India's solar energy target. तो आपको इंटरनेशनल सोलार अलायंस के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं. दीज आर इन इंग्लिश, दिस इज इन हिंदी. सो आईएसए अभी नहीं पूछा गया, आगे जाके पक्का पूछा जाएगा, बिकॉज दिस इज अ हॉट टॉपिक सिंस टू और थ्री इयर्स. 2015 के बाद कब से आईएसए कब साइन हुआ था? Can anyone tell me when was ISA made formed? Yes, it was in 2015. COP21, जो आपका पेरिस समिट था, उसमें इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ISA बनाया था. हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रेंच प्रेसिडेंट, ठीक है? Yes, very nice, very nice. So इसका आंसर है क्या? A. A क्या बोल रहा है? A, D and E. मतलब B interim secretaries in New Delhi? No. ठीक है. Funds are created by India only? No. ये भी गलत है. So आपको पता होना चाहिए इसका जो है, जो secretariat है, जो इसका office है, वो है आपका गुरुग्राम में. ठीक है, वहां पे एक इंस्टीट्यूट है नाइस करके, नाइस गवालपाड़ी गुड़गांव. और इंडिया को डिजायर्ड टारगेट पहुंचाना है 100 गीगावाट इन सोलार एनर्जी by 2022. That is the target for your ISA. It was launched in 2015 in Paris Climate Change Summit. ठीक है, दीक्षिका आपका मैसेज क्या है? हाँ बिल्कुल, फ्रंकॉय हॉलैंड, बिल्कुल उनके साथ मिलके ये बनाया गया था. ठीक है, हाँ ओके, यही आपका सेंटर है. क्या बात है, मजा आएगा देखना वहां जाकर. टेक्नोलॉजी होल्ड्स द की टू स्केल अप द यूज ऑफ सोलार एनर्जी. देखिए ये अभी रिसेंटली PIB में आर्टिकल छपा था. इंडिया जो है बेसिकली वर्ल्ड की फर्स्ट वर्ल्ड सोलार टेक्नोलॉजी समिट के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने मैसेज भी दिया था. इंडिया ने एक प्रोजेक्ट फैसिलिटी बनाई है टू बैंकेबल सोलार एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन ISA मेंबर कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ एक्सिम बैंक. तो ये कुछ रिसेंट डिस्कवरीज थी जो आपके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में अभी आई थी, पब्लिश हुई थी. 100,000 गीगावाट नहीं, 100 गीगावाट. टोटल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट इज 175 गीगावाट बाय 2022. उसमें से 100 इज फ्रॉम सोलार, 175 में से 100 सोलार से है. ठीक है, और उसको 2030 तक क्या टारगेट है? 450 गीगावाट. ठीक है, चलिए 27. सो नाइस, वी विल बी एबल टू एटलीस्ट डू 32 क्वेश्चंस. मैच करना है आपको आपको इंडेक्स दिया है एंड विच इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच एजेंसी. एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं CCPI, ग्लोबल अर्बन एयर पोल्यूशन डेटाबेस, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स. सो यस, दिस इज जूम्ड इन वर्जन, प्लीज आराम से देखिए. हाँ, एंड 40% फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल. वेरी नाइस, वेरी नाइस. 100 सोलार है, बाकी के जो बचे हुए हैं 75 में से 60 क्या है आपका? विंड है आपका, 10 बायो है. यस, डन. दीज आर द ऑप्शंस, दीज आर द ऑप्शंस. देविका, नॉट ऑल कॉप्स बट द बेसिक, द मोस्ट द कॉप वेयर एनी यू नो सिग्निफिकेंट डिसीजन वॉज टेकन. फंडिंग की बात हुई थी तो वो कब हुई थी? कंकन में 2010 में. ठीक है, दोहा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है 2012 का. सो नॉट ऑल, बाली इंपॉर्टेंट है, कोपनहेगन इंपॉर्टेंट है, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट वेयर सम सिग्निफिकेंट डिसीजन वॉज टेकन. हाँ चलिए, हो गया. हिंदी में भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ऐप पे भी. पीपल यस, फरजाना, पूजा, स्माइल इज सेइंग ए, पूनम इज सेइंग ए, जानवी सेइंग सी. ओके, तो इसका आंसर है ए.
जितने बच्चे ए बोल रहे हैं देख लेते हैं। सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जर्मन वॉच, जर्मन वॉच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंडेक्स। इंडिया को 9th पोजिशन में आया था, यू रिमेम्बर द टॉप 3 वॉज वेकेंट एंड इंडिया गॉट 9th रैंक इन सीसीपीआई इंडेक्स। जो 4th रैंक था वो था स्वीडन का, बट दैट वॉज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट रैंक। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये एक बाइनियल रिपोर्ट है बाय येल यूनिवर्सिटी, ठीक है, अलोंग विद WEF। ये सारे इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। इंडिया रैंक 177 इन 2019, ठीक है। हाँ, ग्लोबल अर्बन एयर पोल्यूशन डेटाबेस इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था इन 2018। दिल्ली इज इन 6th प्लेस इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन पैरामीटर्स। सो जो ग्लोबल एयर पोल्यूशन है उसमें दिल्ली 6th स्थान पर है। लिवेबिलिटी इंडेक्स इज गिवन बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। न्यू दिल्ली वॉज रैंक लोवेस्ट, मतलब न्यू दिल्ली रहने लायक बहुत कम स्थान है उसका, 118। सो बेसिकली इट्स नॉट एट ऑल वर्थ लिविंग इन न्यू दिल्ली एज पर दिस इंडेक्स। फाइन, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन 8 मिशंस अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशन का कौन कौन से शामिल है। So this I have covered in my environmental marathon also. Solar power, protection of Himalayas, sustainable agriculture, nuclear या afforestation. Honey Singh Nagpal, बिल्कुल I will be giving tips. I have already taken many sessions where we have discussed with the do's and the don'ts. Please watch the playlist. And all the best. Cover all these questions, it will be useful for you. ट्वेंटी एट्थ क्वेश्चन है, हम कोशिश करते हैं 30 या 32 करने की। यस, वेरी नाइस। न्यूक्लियर नहीं है इसमें, मतलब आपका कौन कौन सा मिशन है। सो NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट वॉज लॉन्च इन 2008 बाय द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल सोलार मिशन, एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, sustainable habitat, water, green India, mission on sustainable agriculture, climate change. So in my environment marathon, I have covered all these sessions, all these things, concepts basically. 29. By which year Jal Jeevan Mission aims to provide piped drinking water? Jal Jeevan Mission kis varsh tak pipe dwara pejal pradan karne ka lakshya rakhta hai? 2024, 2030, 22 या 27? फटाक से आंसर दे दो इसका, फटाक से, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कुंदन सरकार, जूम क्या करूं मैं, दिस इज 2024, 22, 30। इफ यू वॉन्ट टू सी द सबमिशंस ऑफ NAPCC, प्लीज वॉच माई वीडियो इन्वायरमेंट मैराथन, इन विच आई हैव डन लाइक इन 2 hours आई हैव कंप्लीटेड द एनवायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन दैट इज। वेरी नाइस, सो इसका आंसर है ए, 2024 नॉट 2030। जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च अनाउंस इन ऑगस्ट 2019। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर, हर घर जल, मतलब हर घर में आपका नल के थ्रू पानी पहुंचना चाहिए 2024 तक, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली योर जल जीवन मिशन। Fine, very nice. 30th question. Third generation biofuel are derived from? Third generation biofuel किससे derive होते हैं? Algae, methane, food crops, बताइए। So हम लोग कर चुके हैं biofuels कौन कौन से generation के होते हैं। So you have to tell me, तीसरी generation, तीसरी पीढ़ी। Yes, quickly. Third generation बोल रही हूँ मैं, food crops कैसे हो सकता है? Yes, Komal, Amisha, we have done that in our class. Please do not disappoint me. हाँ,
चलिए, वेरी नाइस, इसका आंसर है ए, ओनली वन एल्गे। थर्ड जनरेशन में आपको बता चुकी हूँ, इट बेसिकली स्पेशली इंजीनियरिंग एनर्जी क्रॉप सच एज एल्गे। एल्गे आर कल्चर टू एक्ट एज लो कॉस्ट, हाई एनर्जी एंड एंटायरली रिन्यूएबल फीड स्टॉक। फाइन, दिस इज एक्चुअली योर थ्री जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन इज बेसिकली फूड, ठीक है, पोटैटो, कॉर्न। सेकेंड जनरेशन आपका वुड है, जो आपका क्या है, जट्रोफा, याद होना चाहिए। थर्ड जनरेशन आपका एल्गे है। सो दिस इज बेसिकली इथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, बायोगैस, सिनगैस, एल्गल ऑयल, बायोडीजल। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस एवरीवन। हाँ, तो इसी में, इसमें क्या थी, इसमें डिबेट थी, फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट थी। तभी हमने दूसरी जनरेशन में फूड को हटा दिया था, फ्यूल, वुड, वुड को हमने फोकस किया था। यस, वेरी नाइस। 31. Which of the following are the main reasons that solar energy could not become a viable alternative energy? निम्न में से कौन सा एक मुख्य कारण है कि ऊर्जा, सौर ऊर्जा, एक व्यवहार्य या वायबल वैकल्पिक ऊर्जा नहीं बन सकती? इट नीड्स कंटिन्यूस सोलार रेडिएशन, सोलार पावर प्लांट्स नीड लॉट ऑफ स्पेस, ठीक है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, नॉट फेयर, इट इज स्पेस, या ऑल ऑफ द अबव। How was your exam, Anisha? Hyderabad University, you guys are on fire. You guys are on move. I was talking to some of the students. Ma'am, abhi net deke nikle hain. Ab hum PG ka exam dene ja rahe hain. Ab hum ye exam dene ja rahe hain. So, basically, I know in the these times also you guys are working very hard. Very nice. Iska answer hai all of the above. So, solar energy hum hamesha kyun nahi use kar sakte hain? Kyunki continuous solar radiation chahiye. लॉट ऑफ स्पेस चाहिए होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े सोलार पावर प्लांट्स होते हैं और थोड़ी सी महंगी भी होती है। तो यस, वी कैन टेक वन क्वेश्चन मोर, फाइन, वन क्वेश्चन मोर, द रिमेनिंग वील डू इन द कमिंग वीक। बायो वेंटिंग इज द सप्लाई ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट्स टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडिजीनियस बैक्टीरिया। और आपको रीजन दिया है, बायो वेंटिंग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल एट साइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन सिटू। Quickly, this is basically last question for this session. ठीक है, बाकी के जो बच्चे हैं वो हम अगले हफ्ते लेंगे, because you have another class from 2 PM. So I want to give you some time to rest and relax. इसका आंसर दीजिए। बायो वेंटिंग के बारे में आपको मुझे बताना है, what could be the right answer? ठीक है, कोशिश करते हैं, चलो एक और ले लेंगे। आप लोग इसका जल्दी आंसर दे दोगे तो हम एक और ले सकते हैं। फाइन, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग एज, हाँ, ओके ओके, सब ए बोल रहे हो, बिल्कुल ए सही आंसर है। बायो वेंटिंग क्या है, बेसिकली सॉइल पोल्यूशन को कम करने के लिए, सॉइल पोल्यूशन को कम करने के लिए, बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली टू ग्रोथ, टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडिजीनियस बैक्टीरिया, हम बायोवेंटिंग यूज करते हैं, ठीक है। एंड बायो स्पैरेजिंग, दैट इज ऑल्सो अनदर टर्म, बायो स्पैरेजिंग। सो ये एक इंस्टीट्यूट मेथड है पोल्यूशन को कम करने के लिए, कौन सा, सॉइल पोल्यूशन को कम करने के लिए। फाइन, चलिए एक और क्वेश्चन, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट करी। वेटलैंड्स आर ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन डीप वॉटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। वेटलैंड क्या होता है, एक ट्रांजिशन होता है डीप वाटर और टेरेस्ट्रियल के बीच में। रीजन दिया है, वेटलैंड सपोर्ट प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिफिकली एडजस्टेड टू शैलो फ्लडिंग। तो वेटलैंड के बारे में आपको पूछा है कि क्या, किस बारे में है, तो ये आपके लिए इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, ठीक है, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट करी, तो ये आखिरी क्वेश्चन है। बिल्कुल, मैं मंडे या ट्यूसडे को फिर से आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लेकर आ जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। यस यस, लास्ट क्वेश्चन गाइस, आई वांट एवरीवन टू आंसर, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज इन इंग्लिश। वेरी नाइस एवरीवन। हाँ, तो वेटलैंड आपसे पूछा है, वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड होता है ए, दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण है।
ट्रांजिशनल एरिया होता है, वेटलैंड ना तो बहुत डीप वाटर है ना आपका ऊपर सतह वाला हैबिटेट है, एंड इट सपोर्ट्स प्लांट एंड एनिमल। जैसे आपका क्या हो गया सुंदरबन भी आपका एक डेल्टा टाइप है राइट, जो बेसिकली ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जो शैलो फ्लडिंग की जिनको आदत हो। सो यस बोथ आर राइट, दिस इज अ मैप फॉर द करंट वेटलैंड्स। आपका वूलर लेक, होकेरा वेटलैंड, सांभर लेक, भोज वेटलैंड, रुद्र सागर, भीतर कनिका, मैंग्रोव, चिलिका लेक, ठीक है, कोलेरू पॉइंट, कैलमेर, वेम्बनाट पोल। सो दीज आर द करंट वेटलैंड्स। अभी 10 और इंक्रीज हो गए हैं, इनिशियली देवर 27 आई गेस, नाउ दे हैव इंक्रीज टू 37, ठीक है। हाँ, तो वेटलैंड ये सारे करंट हैं। अभी जो नई रामसार साइट्स हुई है, वेटलैंड्स को कौन देखता है, रामसार साइट्स कहलाती हैं। दे आर कॉल्ड एज द रामसार साइट, द रामसार कन्वेंशन ऑफ 1971। सो दीज आर द न्यू वेटलैंड्स, पंजाब में नंगल ब्यास, उत्तर प्रदेश में सरसाई नवाबगंज पार्वती, महाराष्ट्र में नंदूर मध्यमेश्वर। So right now they are currently, you have to check because 10 are added, that I am telling you, you have to check the current number. Yes, they are 47. So they were basically 37, 10 are added more, now they are 47. Yes, fine, chaliye. So thank you so much guys. The next question I will take in the coming week because you should be getting 20 minutes rest. एट लीस्ट बिफोर योर नेक्स्ट क्लास। तो हम बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं अगले हफ्ते करेंगे, चिंता मत करिए। आई होप यू एंजॉयड, एंड दे वर लाइक मिक्स क्वेश्चन ऑफ हायर एजुकेशन एंड एनवायरमेंट। वील बी डूइंग मोर, एंड टिल देन कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग, एंड डू कैच मी द नेक्स्ट वीक ऑल्सो। ये एग्जैक्टली देवर 35 ओनली, बिकॉज दो तीन क्वेश्चन आई एडेड इन बिटवीन एक्स्ट्रा, सो दे आर नॉट 32 और 33, वी हैव ऑलमोस्ट डन 35 क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ अमेजिंग वीकेंड, स्टडिंग ऑफकोर्स, लेस फन मोर स्टडी। अभी 2 बजे आपकी फिर से एक और क्लास है मैथ्स और डीआई की, निशांत सर विल बी टेकिंग, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, हैव सम रेस्ट, हैव योर लंच क्विकली एंड कम बैक। सो वील मीट सून अगेन नेक्स्ट वीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।